अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल दुआ मुस्लिम। तो ये देखें, हमारे पास पहले से खुला हुआ है पेन टीडी। तो ये है वो प्रोग्राम जो कि मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो इस तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपको ऊपर एक टूल नज़र आया होगा, ब्रशेस टूल। उसमें वो एक फंक्शन है, तो वो एक कॉलम है, ठीक है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पहले से खुला हुआ है ब्रशेस का। और अगर उसके बाद है 2D शेप्स का, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे 2D शेप्स आ जाएंगे। 2D मतलब के वो शेप्स जो के हर तरफ से एक असली, जैसे आपने देखी है एक असली चीज़, वो होती है 3D, ठीक है। जैसे आपने अर्थ का एक छोटा मॉडल देखा है जिसको कहते हैं ग्लोब, तो ग्लोब है 3D मॉडल अर्थ का छोटा वाला, ठीक है। तो इसी तरह वो 3D मॉडल नहीं है होते, बल्कि वो 2D होते हैं। जैसे आप पेपर के ऊपर अगर कोई ड्राइंग करते हैं तो वो 2D ड्राइंग कहलाती है, और अगर आप कोई सा 3D मॉडल बनाते हैं किसी चीज़ का तो वो कहलाता है 3D, ठीक है, वो मॉडल कहलाता है 3D। तो अब फिर उसके बाद आएंगे 3D शेप्स, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो होते क्या हैं। और फिर उसके बाद आते हैं स्टिकर्स। स्टिकर्स आपको मालूम है क्या होते हैं, जो कि पिक्चर को डेकोरेट करने में यूज़ आते हैं। और हाँ, इसमें एक और ऑप्शन है, स्टिकर्स को हम 3D भी कर सकते हैं। स्टिकर्स 2D होते हैं ना, इसमें स्टिकर्स को हम 3D भी कर सकते हैं। असली में तो 3D ही होते हैं स्टिकर्स, मगर इस कंप्यूटर में तो प्रोग्राम में तो 2D होता है ना। अब स्टिकर्स के बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले फंक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो किस्म के टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। एक होगा 3D टेक्स्ट और एक होगा 2D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट ऐसा बना हुआ होगा कि जैसे डबल लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर लाइन होगी, ठीक है, और उसके पीछे आपको एक 2D टेक्स्ट मिलेगा जो कि बस सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट बना हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स टूल, ठीक है। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ये होते हैं, जैसे अभी हमारे पास डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक लाइट व्हील भी होता है जिसको घुमाते हैं तो इफेक्ट की लाइट चेंज हो जाती है। तो अब इसके बाद आते हैं टूल कैनवस का। उसमें आप कैनवस को रिसाइज कर सकते हैं। कैनवस आपको अगर नहीं मालूम कि क्या चीज़ है इसमें, तो कैनवस आपको मैं बता सकती हूँ कि वो वाइट कलर का जो है आपके पास पेज आता है वो कहलाता है कैनवस, ठीक है। तो उसको हम रिसाइज कर सकते हैं वहाँ से, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ से। तो आप ये प्रोग्राम ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। अब देखें, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ डोनट की, ठीक है। मैं एक डोनट बना रही हूँ, ठीक है, फोर्क प्लेट और नाइफ के साथ, ठीक है। तो आप देखें कैसे बनता है वो। सबसे पहले देखें वहाँ जो 3D शेप्स थे उसमें मैंने जाकर ले लिया है डोनट वाला शेप, ठीक है। अब मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ डोनट की तरह। जैसे आपने देखा है डोनट की ब्रेड ब्राउन होती है और उसके ऊपर की जो क्रीम होती है वो किसी भी कलर की होती है, किसी भी फ्लेवर की होती है, ठीक है। मगर मैं स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ इसके ऊपर की क्रीम, ठीक है, कलरफुल स्प्रिंकल्स के साथ। तो ये देखें, मैं डोनट को डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैं डोनट को डिज़ाइन करके उसके ऊपर स्प्रिंकल बनाऊंगी, और अभी मैं डोनट को सही से सेट करी हूँ, ठीक है। उसकी क्रीम नहीं बन पा रही है तो इसलिए हमें पूरी जगह से बनाना होगा, ठीक है, डोनट की क्रीम को। अब आप देखें कैसे बनता है डोनट।
देखें, मैं आपको एक और ऑप्शन बता रही हूँ। डोनट हमारा रेडी है, ये रहें, यह है 3D लाइब्रेरी। ये तभी अवेलेबल होती है पेंट थ्री में जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हुए होते हैं, वरना अगर इंटरनेट नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो ये नहीं है आएगी, ये अवेलेबल नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं, तो अब ये देखें मैं यहाँ फूड एंड ड्रिंक में चले गई हूँ। अब मैं यहाँ पे, मैं यहाँ से लूँगी फोर्क, प्लेट और नाइफ, ठीक है। उसकी अभी पिक्चर नहीं आ रही होगी इधर, ये देखें इधर अभी उसकी पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है। ये ऐसी अगर आ नहीं रही होती है तब भी लोड हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है, और याद रखिएगा ये है 3D लाइब्रेरी, और इसमें ऊपर सर्च भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग डली हुई है फूड एंड ड्रिंक, उसके नीचे आपको सर्च बार नज़र आ रही होगी, उसमें अगर आप क्लिक करके कोई सा कुछ लिखेंगे तो उसी नाम का प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसी नाम का 3D मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कुछ लिखूंगी तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें ये हो रही है लोड, और ये मॉडल हो रहा है लोड, और ये लोड हो रहा है तो ये देखें इसकी पिक्चर नहीं आ रही। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, अगर इसकी पिक्चर नहीं आ रही है कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये है पेंट। ये देखें ये हमारे पास आ गया है अपना 3D मॉडल, जो हमने, जिस पर हमने क्लिक किया था, ये हमने फोर्क, प्लेट और नाइफ पे क्लिक किया था। तो ये देखें ये आ गई है। अब मैं इसको सीधा कर दिया है मैंने। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये डोनट प्लेट में रखा हुआ है, ठीक है, मगर ये असल में प्लेट में नहीं रखा हुआ, ये असल में आपने नकली बनाया है, ठीक है, या आपने मॉडल बनाया है एक, ठीक है। अब मैं आपको इफेक्ट्स का बता, ये मैंने खोल लिए हैं इफेक्ट्स। अब मैं आपको अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए अब मैं आपको ये लाइट व्हील घुमा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो सारे के सारे कलर्ड इफेक्ट्स हैं, इनके नीचे एक आपको व्हील नज़र आ रहा होगा जिसमें एक सन होगा, ठीक है, बना हुआ वो लाइट व्हील। देखिए जो आपने 3D मॉडल लिया है उसको आप रीपेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मर्जी का भी उस पर पेंट कर सकते हैं। अब मुझे लाइट कलर की, लाइट वाइट कलर की प्लेट चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वाइट कलर कर दूंगी प्लेट के ऊपर। और मैं यहाँ से देखें ये हम यहाँ पे वाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ मैट, ठीक है। मैट को हटा के हम और भी लगा सकते हैं, जैसे मैं पॉलिश मेटल लगा रही हूँ, पॉलिश मेटल में जाऊंगी तो ये यहाँ पे ग्रे कलर चूज करूंगी, ठीक है, और उसको करूंगी तो ये सिल्वर बन जाएगा, जैसे वो मेटल का कलर होता है ना उसी तरह। अब ये देखिए मैं अपनी पिक्चर को सेव कर रही हूँ। ये बेसिकली पिक्चर नहीं है बल्कि ये एक 3D प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पिक्चर तभी होगी जब आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, ठीक है, अपने डेटा में सेव करेंगे, ठीक है। ये अभी आपके डेटा में सेव नहीं हो रही है बल्कि ये इस प्रोग्राम में सेव हो रही है। तो इस तरह के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं पेंट 3D में। 3D से प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाएं और एंजॉय करें इस प्रोग्राम को, बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है MS Paint। मगर आप MS Paint को बुरा मत बोलें, मैंने MS Paint एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपने वो देखी हुई है तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम MS Paint से ज़्यादा पसंद आ रहा है
तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, मगर MS Paint को बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग MS Paint को छोड़कर Paint 3D में चले गए हैं और MS Paint को बुरा बोलना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ MS Paint को बुरा मत बोलें, वो भी अच्छा प्रोग्राम है। उससे आप 2D प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इससे आप 3D, उससे आप पिक्चर्स बना सकते हैं।